हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 26, डिक्शनरी का पार्ट नंबर 4। तो डिक्शनरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, कैसे डिक्शनरी क्रिएट होती है, अबाउट वेरियस टर्म्स वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डिक्शनरीज। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो खास हमारा फोकस होगा डिक्शनरी मेथड्स पे, अबाउट द लेंथ मेथड, गेट कीज, गेट वैल्यूज, चेंज वैल्यूज, कैसे आइटम्स को ऐड करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, अबाउट द पॉप मेथड, डिलीट एंड क्लियर मेथड एंड सर्टन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आज की क्लास में काफी सारे मेथड्स पे हमारा फोकस होगा। ये ऐसे मेथड्स है ना कि कभी भी आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स या छोटे प्रोजेक्ट्स, किसी भी प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है वो यूज आते ही आते हैं, क्योंकि कई बार हमें जो डेटा मिलता है जनरली उसका फॉर्मेट की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी के फॉर्मेट में होता है। मैं ये बात कर रही हूँ कंपनी के अंदर भी कई बार आपके साथ ऐसा होगा, डेटा आपको की वैल्यू पेयर्स में मिल जाएगा, तब आप कैसे उस डेटा सेट के साथ में डील कर सकते हैं उसके लिए काफी सारे मेथड्स यूज होते हैं, और वही मेथड्स को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास आज की बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे आपके सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं नोट्स आज की क्लास के कैसे डाउनलोड करना है और शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com, तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का, हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का, तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का, तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप दाई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर। और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का, तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो, तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे, सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है, तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया, अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का, हियर यू गाइस कैन सी हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ, तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, ₹0 है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए खाली दिखा रहा है, फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है।
अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 26, जहाँ पे डिक्शनरी के अभी तक हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जहाँ पे काफी कुछ डिक्शनरी के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ और मेथड्स क्या क्या यूज होते हैं डिक्शनरी के, इसको काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट राइट दिस हियर इन अ फॉर्मेट ऑफ हेडिंग, डिक्शनरी इन पाइथन पार्ट नंबर 4 वी आर गोइंग टू कवर टूडे। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी में कि लेट सपोज जब भी हमारे पास कोई डिक्शनरी अवेलेबल होती है, हम जानते हैं कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब इसकी लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो ये जो लेंथ मेथड है, ऐसा नहीं हम पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं। लेंथ मेथड हमने टपल्स, लिस्ट, सेट सब में पढ़ा है। तो कभी भी कोई अगर आपके पास डेटा टाइप है उसमें कितने कस्टमर्स का डेटा स्टोर है या कितने वहाँ पे लाइक प्राइजेस का डेटा स्टोर है, कुछ भी हो सकता है ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी चीज़ डिक्शनरी के अंदर स्टोर है, कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, उसकी लेंथ क्या है, ये अगर हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास मेथड यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथ मेथड। तो अभी हम जो फिगर आउट करने वाले हैं दैट इज अबाउट द डिक्शनरी लेंथ। तो मैं इसे प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख देती हूँ पहले। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे डिक्शनरी लेंथ को अप्लाई करने के पहले हमें यहाँ पे जाहिर से बात एक डिक्शनरी बनानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक डिक्ट नाम की डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स लिख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आईडी यहाँ पे की है, इसके अंदर कुछ आईडी डाल देते हैं 1255 सम नंबर्स। इसके बाद एक और की वैल्यू पेयर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि कलर नाम से मेरे पास एक की वैल्यू पेयर है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कलर, और इसके अंदर कुछ कलर हम लोग डाल देते हैं लेट सपोज रेड। और इसके बाद मैं एक और यहाँ पे की वैल्यू पेयर बना लेती हूँ, लेट सपोज ईयर यहाँ पे हमारे पास की है और इसके अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1997। कुछ इस तरीके से हमने ये डिक्शनरी जो है ये तो बना ली। अब अगर हम इसकी लेंथ जानना चाहते हैं तो ये लेंथ मेथड हमने पहले भी पढ़ा है, LEN के नाम से हम इसको लिखते हैं और इसके अंदर जिसकी हमें लेंथ निकालना है दैट इज आवर डिक्शनरी, इसको हमने डाल दिया और यहाँ पे हमें इसकी लेंथ मिल गई 3। तो कितना भी बड़ा अगर आपके पास में डेटा टाइप है, अगर कस्टमर्स का डेटा है लेट सपोज और वो इस तरीके से डिक्शनरी डेटा के फॉर्मेट में स्टोर है, लेंथ आपको काउंट करना है, यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय यूजिंग द लेंथ मेथड ऑफ द डिक्शनरी। अब इसके अंदर एक और मेथड यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं गेट कीज। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, इमेजिन करो एक सिनेरियो कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, लेट सपोज आप वर्क कर रहे हो एक ई कॉमर्स कंपनी में, ठीक है। अब इस ई कॉमर्स कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होगा, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। लेट सपोज कि आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो। अब जब कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा हो सकता है कि कस्टमर का क्या कंप्लेंट आ रहा है, कस्टमर का क्या नाम है, कस्टमर का क्या इशू है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो अब अगर लेट सपोज मुझे मान लो कि यहाँ पे आपके पास जो डेटा स्टोर है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, जैसे अगर कस्टमर का डेटा है तो जैसे कस्टमर ने कस्टमर का नाम क्या है, ठीक है, ये की हो गया। लेट सपोज कि कस्टमर जो है इसका नाम है लेट सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एनी रैंडम नेम जैसे आयुष, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज कस्टमर का क्या इशू है, ठीक है, कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, ये सारे उसके बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस पूरी डिक्शनरी में से ना मेरे काम की जो वैल्यू है, जितनी भी कीज है, ये कीज मेरे को चाहिए। तो अब आप कैसे एक डिक्शनरी से सिर्फ और सिर्फ कीज में, मैं बोल रही हूँ आप मुझे अलग करके दे दो, मेरे को वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ कीज से कीज ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पे एक मेथड जो यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं गेट कीज मेथड। क्या होता है ये इसको समझते हैं।
सबसे पहले हेडिंग देना। देखो एक चीज है ना, कमेंट मैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोड समझाने में मेरा फोकस होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कोड एक्सप्लेन करने में ध्यान देती हूँ, लेकिन जब आप लोग खुद से कोडिंग करो तो ये एकदम हमेशा अच्छी आदत होती है कि एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर जो है वो हमेशा कमेंट्स में चीजों को लिखता है। तो अपने अंदर भी ये आदत डालना, ताकि कभी भी आप इन कंपनीज के अंदर भी जाके वर्क करो, कोई बहुत बड़ा कोड आपने लिखा है तो आपके साथ इवन जो काम कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आपने उस स्टेप में क्या लिखा है। तो कमेंट लिखना एक बहुत अच्छी बात है। सो मेक अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कमेंट वेन एवर यू आर डूइंग कोडिंग। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, एक ए नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ, इसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स बना लेते हैं। जैसे नेम नाम से मेरे पास एक की है, इसके अंदर वैल्यू है लेट्स सपोज प्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कस्टमर एज है, तो एज नाम से मैं की बना लेती हूँ, इसके अंदर वैल्यू है लेट्स सपोज 28। अब वो कौन से कंट्री से बिलोंग कर रही है, सो आई एम राइटिंग हियर कंट्री, लेट्स सपोज कंट्री है यहाँ पे इंडिया, राइट। तो ये बन गया मेरे पास की वैल्यू पेयर्स बन गए इस डिक्शनरी के अंदर। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो मतलब है मुझे आपके कीज से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गेट कीज मेथड को मैं कॉल करूंगी। जैसे ये मेरी बन गई डिक्शनरी। अब मैं यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, ए के अंदर कितनी कीज है, तो मेरे को यहाँ ए डॉट कीज यहाँ पे मैं लिखूंगी और सिंपल सा ब्रैकेट लगा के रन कर दूंगी। अब मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट करती हूँ एक्स को, सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट एक्स, प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, अब रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे कीज है ये यहाँ पे मुझे मिलना शुरू हो गई, नेम एज कंट्री ये सारी की सारी कीज मुझे अलग से मिल गई। अब ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे को सिर्फ वैल्यूज चाहिए, मुझे कीज से मतलब नहीं है, तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है इसको बोलते हैं गेट वैल्यूज। तो अब गेट वैल्यूज मेथड के बारे में भी देख लेते हैं। तो आई एम सिंपली राइटिंग हियर गेट वैल्यूज, इसको हम लोग प्रॉपरली हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ऑल राइट, अब यही जो कोड है मैं सेम यही डिक्शनरी जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद में वाई नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और ए डॉट, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, सो आई एम राइटिंग हियर ए डॉट वैल्यूज। ऑल राइट, तो अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग रन करके देखें और अब मैं जाके यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ वाई को, तो अब हमें ये सारी वैल्यूज मिल रही है। सो हियर वी कैन सी कि प्रिया यहाँ पे एक वैल्यू था, 28 एक वैल्यू थी और इंडिया एक वैल्यू थी। अब हमें सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है। तो कभी भी अगर किसी डिक्शनरी से सिर्फ आपको वैल्यूज चाहिए या सिर्फ आपको कीज चाहिए, तो उसके लिए आप कीज वैल्यूज जो यहाँ पे मेथड्स होते हैं इसका यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब सबसे बड़ा सिनेरियो जो कभी कभी होता है, जो आप भी कभी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास जो डेटा स्टोर है वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में डेटा जो है वो स्टोर है। सो इन द डिक्शनरी वी आर हैविंग की वैल्यू पेयर्स। अब लेट सपोज कि मेरे पास कभी एक सिनेरियो आ गया, जैसे ज्यादातर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊं तो ई कॉमर्स जैसे कंपनी होती है, अब उसने लेट सपोज जो प्रोडक्ट था यहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो चुका है की वैल्यू पेयर्स में, उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, जैसे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि कोई मोबाइल फोन था यहाँ पे, राइट। तो अब मोबाइल फोन में काफी सारी चीजें होती है, सबसे पहले तो होता है कि नेम ऑफ द फोन, ठीक है, जो भी था, जैसे लेट सपोज हियर If I have to give any example, let me just write Realme 10. Okay, ये कोई फोन था। अब इसके बाद में इसका प्रोडक्ट आईडी होगा, इसके बाद में इसका कौन सा कलर का फोन था वो होगा, फिर इसके स्पेसिफिकेशंस क्या थे वो होगा। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी थी वो गलत डल गई है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, प्रोडक्ट आईडी एक्चुअल में थी 102 लेकिन यहाँ डल गई है 101। तो अब आपको क्या करना है, इस बड़े से डेटा में ये वाली जो वैल्यू है जो आपसे गलत हो गई है इस वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर कभी भी अगर हम किसी वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ चेंज वैल्यूज, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यूज वंस द डिक्शनरी इज क्रिएटेड। तो चेंज जो है वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होता है डिक्शनरी के साथ में। लिस्ट में भी हमने देखा था कि अगर हम कोई वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ चेंज करने के लिए वैल्यूज के लिए मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट करूंगी। लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी हियर, हियर द की वैल्यू पेयर्स आर, नेम इज वन ऑफ द की, एंड लेट्स सपोज प्रिया इज बेसिकली द नेम ऑफ द कस्टमर, एंड सेकेंड की वैल्यू पेयर भी कुछ हम लोग ले लेते हैं, जैसे एज मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर ले लेती हूँ, एज लेट्स सपोज 28। उसके बाद अगला की वैल्यू पेयर जो मैं यहाँ ले लेती हूँ, लेट्स सपोज दैट इज कंट्री, so I'm writing here
इंडिया, ओके। तो ऐसा कुछ की वैल्यू पेयर्स हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे बना लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है। अब मैं कंट्री इंडिया की जगह लेट सपोज उसको करना चाहती हूँ भारत, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल हियर। तो अब मैं क्या करूंगी ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए नाम से मेरे पास डिक्शनरी है, तो मैंने लिखा ए। ए के अंदर जो अब मेरा की है इसमें मैं लिखना लिखूंगी कंट्री, कंट्री। और अब इसके बराबर मतलब पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास बना हुआ है डेटा उसमें इंडिया स्टोर था, प्रिंट भी करा के देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट कर देते हैं ए को, प्रिंट ए। अब यहाँ पे देखोगे तो कंट्री इंडिया था। अब लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि इंडिया की जगह यहाँ पे आ जाए भारत। सो लेट सपोज आई एम डूइंग दिस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कभी भी अगर आपको कोई वैल्यू बदलनी है तो आप सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। हमारी डिक्शनरी का नाम ए था तो मैंने लिखा ए। कौन किसकी वैल्यू बदलना है, कंट्री की, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री। अब क्या वैल्यू हमें रखना है तो वो हम इसको देंगे कि हमें वैल्यू जो चाहिए इक्वल्स टू भारत। अब अगर मैं जाके वापस से यहाँ पे प्रिंट करती हूँ ए को, सो हियर आई एम गेटिंग दैट कि अब कंट्री में इंडिया की जगह क्या आ चुका है, भारत इट इज रिप्रेजेंटिंग, राइट। तो कभी भी कितनी भी बड़ी डिक्शनरी आपको दी गई हो, आपको कभी भी कोई वैल्यू बदलना है तो यही तरीका आसान होता है जहां पे हम लोग इजिली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब मान लो एज जो है वो कस्टमर की गलत डल गई, 28 यहाँ पे डली है लेकिन एक्चुअली एज कस्टमर की 30 है। तो आई एम जस्ट गिविंग राइटिंग हियर कि मैं ए लिखूंगी, ए के बाद की का नाम लिखूंगी, की का नाम है एज। अब मैं यहाँ पे क्या नई वैल्यू डालना है, तो कस्टमर की जो एज है दैट इज 30। सो आई एम राइटिंग हियर 30। अब मैं जाके वापस अगर प्रिंट करती हूँ इस ए नाम की डिक्शनरी को, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एज के अंदर पहले 28 था बट नाउ इट्स 30, राइट। तो इस तरीके से कभी भी आप कोई भी वैल्यूज को आसानी से बदल सकते हैं। अब चेंज करना तो हम डिक्शनरी के अंदर सीख चुके हैं, लेकिन एक डिक्शनरी पहले से बन चुकी है। अब इसमें मैं कुछ और आइटम को ऐड करना चाहती हूँ तो ऐड हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मान लो कि एक डिक्शनरी मेरे पास पहले से बन गई, अब एक आइटम मेरे को इसके अंदर ऐड करना है तो उसके लिए मैं नई डिक्शनरी तो बनाऊंगी नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इजिली डिक्शनरी के अंदर कोई भी आइटम को आसानी से ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऐड आइटम्स को, इसके बारे में समझते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द हेडिंग एडिंग आइटम्स। ये देखने में बहुत ही आसान सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस के ऊपर बहुत मैटर करती है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करोगे, और ये बहुत आसान है आपके समझने के लिए। कोई हम यहाँ पे बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, चलिए इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पर्सन नाम से डिक्शनरी जो है वो बना रही हूँ। पर्सन नाम से मेरी डिक्शनरी है। अब पर्सन नाम की इस डिक्शनरी में कुछ की वैल्यू पेयर्स बना लेती हूँ। नेम है यहाँ पे, तो लेट्स सपोज कोई कस्टमर है उसका नाम है एलिस। सो आई एम राइटिंग हियर कस्टमर नेम इज एलिस। दूसरा की वैल्यू पेयर बनाते हैं यहाँ पे, तो दूसरा की वैल्यू पेयर है एज। अब यहाँ पे एज है लेट्स सपोज इस कस्टमर की 30। तो हम इस डिक्शनरी में दो ही की वैल्यू पेयर्स बना रहे हैं। अब इसमें मैं कोई नई और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे ये डिक्शनरी मेरे पास बन चुकी, अब इस डिक्शनरी में मैं दो और की वैल्यू पेयर्स डालना चाहती हूँ। मैं ये डालना चाहती हूँ कि जो कस्टमर है वो सिटी का है लेट सपोज न्यू दिल्ली, और इसका जो ईमेल आईडी है मैं वो डालना चाहती हूँ। तो अब मेरे को दो आइटम को इस डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस डिक्शनरी को मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ एक बार कि हमारे पास डिक्शनरी बन चुकी है। सो प्रिंट पर्सन, रन कर लिया, बन गई डिक्शनरी। अब दो वैल्यूज ऐड करना है, एक सिटी और उसका मेल आईडी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, जो डिक्शनरी का नाम है मेरी मैं वो नाम लिखूंगी। मेरी डिक्शनरी का नाम है पर्सन। क्या मेरे को एक की ऐड करना है, सिटी नाम की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिटी। इसके अंदर मैं दूंगी वैल्यू, तो मेरे को सिटी है लेट सपोज मेरी न्यू दिल्ली। सो आई एम राइटिंग हियर न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हम लोग दे दिए यहाँ पे न्यू दिल्ली। अब दूसरा एक और मेरे को यहाँ पे की डालना है और उसका नाम है पर्सन का मेल आईडी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मेल आईडी। अब यहाँ पे मैं इक्वल्स टू मेल आईडी करके लिख लेती हूँ। मेल आईडी हम लोग दे देते हैं alice123@gmail.com, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया। अब ये दो की वैल्यू पेयर्स को हमको क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर डालना है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगी, पर्सन नाम से हमारी डिक्शनरी का नाम है प्रिंट पर्सन, अब रन करूंगी, तो अब आप देख सकते हो पहले जब हमारे पास डिक्शनरी बनी थी तो केवल नेम और एज था, लेकिन अब जो डिक्शनरी बनी है उसमें नेम और एज वाले की वैल्यू पेयर्स के अलावा
दो और की वैल्यू पेयर जुड़ चुके हैं, जैसे सिटी न्यू दिल्ली आ चुका है और ईमेल आईडी इसका आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक बार डिक्शनरी बन गई लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ और आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो ये तरीका होता है आइटम्स को ऐड करने का। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ अभी तक यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपडेट मेथड। देखते हैं कैसे काम करता है। अब बात करने वाले हैं अपडेट मेथड, सो लेट मी राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। अब देखो कोई एक की वैल्यू पेयर है जिसको आप अपडेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से ये जो पर्सन वाली डिक्शनरी है इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ एंड सिंपली आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस हियर। अब इसके अंदर कुछ और थोड़े की वैल्यू पेयर्स डाल देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक और की वैल्यू पेयर है कंट्री नाम से, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कंट्री एंड लेट सपोज ये कंट्री है पुणे। ओके, अब यहाँ पे कुछ और की वैल्यू पेयर्स डाल देते हैं, जेंडर डाल देते हैं लेट सपोज, तो यहाँ पे जेंडर है लेट सपोज मेल। ओके, ये हमारे पास पहले से एक डिक्शनरी नॉर्मल से हमारे पास बनी हुई है। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट पर्सन, सो दिस इज द डिक्शनरी वी आर गेटिंग। अब अपडेट मेथड के थ्रू अगर आप कोई एक की वैल्यू पेयर को यहाँ पे और अपडेट करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पर्सन डॉट डिक्शनरी का नाम, अपडेट मेथड लगाऊंगी और इसके अंदर जो भी की वैल्यू पेयर है वो एक साथ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे इसका फोन नंबर डालना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे की एक बना ली फोन नंबर नाम से, और इसके बाद तो ये जो की वैल्यू पेयर्स आप लिखेंगे अपडेट मेथड में वो आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। जैसे फोन नंबर मैंने लिखा की और कोलन लगाया, अब इसका जो लाइक फोन नंबर है वो यहाँ पे मैं लेट सपोज डाल देती हूँ ये फोन नंबर है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये की वैल्यू पेयर हमारे पास बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने अपडेट मेथड यूज किया फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया क्योंकि अपडेट मेथड का ब्रैकेट था। अब इसके बाद मैं अंदर में देखो कोलन यहाँ पे लगा रही हूँ कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस में स्पेशली यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, एक डिक्शनरी ही डाल रही हूँ जिसके अंदर एक की वैल्यू पेयर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इसको रन कर लेते हैं इस कोड को, सो लेट मी जस्ट रन दिस कोड। अब यहाँ पे जाते हैं और अब यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इस पर्सन नाम की डिक्शनरी को और देखते हैं कि क्या अपडेट हुआ फोन नंबर। यस, फोन नंबर यहाँ पे अपडेट प्रॉपरली हो चुका है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपडेट मेथड में सिर्फ डिक्शनरी है तो क्या एक ही की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हैं, उसकी जगह क्या हम दो की वैल्यू पेयर्स भी डाल सकते हैं क्या? तो काम करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे फोन नंबर की जगह इसको मैं लिख देती हूँ मेल आईडी, और मेल आईडी डाल देते हैं हम कुछ यहाँ पे लेट सपोज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ alice12@gmail.com, ये हो गया एक की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब अगला की वैल्यू पेयर यहाँ पे एक और डाल देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं उसका एज, जेंडर ये सब हम डाल चुके हैं, फोन नंबर डाल चुके हैं। अब इसके बाद में लेट सपोज एक और यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं उसका, लेट सपोज आधार नंबर। ठीक है, ये एक हमने एक और बना लिया की वैल्यू पेयर और ये कुछ ऐसे नंबर्स डाल देते हैं। अब यहाँ पे जाके अगर मैं प्रिंट करूँ पर्सन नाम की डिक्शनरी को तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। सो हियर वी कैन सी दैट वी आर इजिली गेटिंग अपडेट के अंदर में भी, इस डिक्शनरी के अंदर हमें दो चीज़ें हमने ऐड की, दैट इज मेल आईडी एंड आधार नंबर, ये भी हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हो, ये इसके पहले जो मैंने मेथड बताया आप उसका भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी आइटम डिक्शनरी के अंदर ऐड करना हो तो। अब आइटम ऐड करना तो सीख गए, अब आइटम को रिमूव करना है, तो कैसे हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में भी अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव कैसे करना है आइटम्स को, सो हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। कई बार ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां पे आपके पास में एक बड़ी चौड़ी सी डिक्शनरी है, बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है उसके अंदर स्टोर, और पर्टिकुलर आपको किसी एक जो डेटा है उसको यहाँ पे डिलीट करना है, आप रिमूव करना चाहते हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। इसके लिए जो मेथड यूज होता है इसको बोलते हैं पॉप मेथड। पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। आप जैसे बताते हैं कि मेरे को इसके अंदर से एक डिक्शनरी बनी हुई है, इस डिक्शनरी के अंदर से मेरे को एज जो है इसको रिमूव करना है, तो वो स्पेसिफिकली एज जिस की के बारे में आपने बताया है उसी की वैल्यू पेयर को क्या करेगा, वो डिलीट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डिक्शनरी है एक बनी हुई, सो सिंपली गाइज आई एम जस्ट कॉपिंग द कोड हियर सो दैट
इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, इतना सारा नहीं रखते इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये हमारे पास बन गया एक डिक्शनरी। इस डिक्शनरी का नाम दे देते हैं, इस डिक्शनरी का नाम दे देते हैं, लेट सपोज ए नाम के वेरिएबल पे इसको स्टोर करा लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ए को। तो ये डिक्शनरी हमारे पास प्रिंट हो चुकी। अब यहां से लेट सपोज मैं जो एज है ना, इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ए डॉट पॉप मेथड लगाऊंगी और इसके अंदर मैं नाम दूंगी उस की का जिसको मेरे को डिलीट करना है। तो एज नाम की को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ लिखा एज। अब मैं जाके अगर प्रिंट करूँ ए को, सो हियर वी आर गेटिंग दैट कि अब हमारे पास जो डिक्शनरी है, पहले एज आ रहा था, अब इस डिक्शनरी से एज जो है वो हट चुका है। तो पॉप मेथड की मदद से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, इजिली कोई आइटम को आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर को हटा सकते हो। अब एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है, दैट इज द डिलीट कीवर्ड। तो ये डिलीट कीवर्ड क्या करता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सो डिलीट मेथड ये क्या करेगा, तो इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, यही डिक्शनरी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, और ये डिक्शनरी लेट से हमने यहाँ पे बना ली। सो आई एम जस्ट रनिंग द कोड हियर। तो ये डिक्शनरी हमारे पास अब यहाँ पे क्या हुआ, ए नाम की डिक्शनरी हमारे पास बन गई। अब इस डिक्शनरी में से मैं पर्टिकुलरली डिलीट करना चाहती हूँ एज को, तो मैं यहाँ लिखूंगी डिलीट ए, ए के अंदर क्या है मेरी की का नाम एज, तो मैंने यहाँ लिख दिया एज। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रिंट करके देखती हूँ, प्रिंट ए। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एज हट चुका। तो आप पॉप मेथड यूज कर सकते हो या आप इस तरीके से डिलीट मेथड यूज कर सकते हो। अब डिलीट मेथड को लेके एक चीज और लोगों के ध्यान में आती है, दैट इज कि यहाँ पे डिलीट मैंने एज लिखा, अब मैं क्या इसको कॉमा लगा के एज के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जेंडर वाला जो हमारा की है इसको भी डिलीट करना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। तो अब इसको अगर हम लोग रन करके देखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से जेंडर, लेट मी जस्ट राइट दिस हियर गाइस, जेंडर। अब रन करके देखेंगे, सो एज तो हमने पहले ही हटा दिया था, तो अब एज की जगह जेंडर हटा देते हैं। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जेंडर हम पहले ही हटा चुके हैं, कंट्री लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक आइटम ही हटा सकें, आप मल्टीपल यहाँ पे आइटम्स को हटा सकते हैं। जैसे हमने इस केस में किया, हमने कंट्री हटा दी तो पुणे हट गया, हमने यहाँ पे क्या हटा दिया, जेंडर हटा दिया, तो बचा, और एज तो पहले ही हटा चुके थे, तो बचा क्या इसकी वैल्यू पेयर में, सिर्फ नाम बचा। तो यहाँ पे वही प्रिंट हो रहा है, नेम एलिस, राइट। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। अब डिलीट का एक और एडवांटेज है, अब मैं ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड की मदद से आप ये भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे डिलीट क्या करना चाहती हूँ, डिलीट ए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करती हूँ ए को, तो देखना मुझे एरर आ जाएगा। एरर क्यों, क्योंकि जो डिक्शनरी अब डिलीट कर दियो वो है ही नहीं, और आप वही प्रिंट कराने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि पहले आपके पास ये डिक्शनरी थी, आपने डिलीट कर दिया, अब जब आपने डिलीट कर दिया तो ये मेमोरी में है ही नहीं, और अब आप प्रिंट कराओगे तो इसलिए वो बोल रहा है जो चीज मेमोरी में है ही नहीं, इसका मतलब ए डिफाइंड नहीं है आपका। तो इस तरीके से पूरी डिक्शनरी को भी क्लियर कर सकते हो, या फिर डिलीट कर सकते हो, या डिक्शनरी के कुछ की वैल्यू पेयर्स को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। दोनों हमने यहाँ पे समझ लिया। अब एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं क्लियर मेथड। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये क्लियर करने में मदद करता है। कोई एक डिक्शनरी आपके पास बनी हुई है, उस डिक्शनरी को आपको पूरा का पूरा क्लीन करना है, राइट। जैसे लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल हियर गाइस, ए नाम से हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी है, प्रिंट करवा लेते हैं, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब मैं पूरा का पूरा इस डिक्शनरी को क्लियर करना चाहती हूँ, एक खाली डिक्शनरी बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसी ए डॉट क्लियर लिखूंगी, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू की वैल्यू पेयर्स हैं वो सब यहाँ से क्लीन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ प्रिंट एंड ए, प्रिंट ए। अब इसको रन करते हैं, सो हियर यू आर गेटिंग द खाली डिक्शनरी, दैट इज एम्प्टी डिक्शनरी यू आर गेटिंग, राइट। तो ये सारे जो मेथड्स हैं बहुत काम के मेथड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो छोटी छोटी चीजें हमेशा आती रहेगी कि डिक्शनरी में डेटा है तो ऐड करना आना चाहिए, रिमूव, क्लीन, अपडेट, ये सब कुछ आना चाहिए। तो इन बातों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। उन क्वेश्चंस का क्या आंसर है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। सो लेट्स डिस्कस सर्टेन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड वुड यू यूज टू ऐड की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिक्ट डॉट अपेंड,
ऐड, इंसर्ट या डिक्ट की, इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आज हमने जिनके बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज विच मेथड इज यूज टू रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्शनरीज कीज। कौन से आइटम, अगर लेट सपोज आपको किसी को ऑब्जेक्ट को व्यू करना है, विच मेथड इज यूज टू रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्शनरीज कीज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा ये दो क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके बताइएगा। और डिक्शनरी में जितनी चीजें अब तक हमने पढ़ ली है, इसका खुद से मैंने नोट्स तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, दाइस्किल की वेबसाइट से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, खुद से कोड लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। और फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही अब तक के लेक्चर्स में, तो आप मुझे ईजिली कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग भी आपको हेल्प जो है वो मिल पाए। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे सेल्फ मोटिवेटेड।